वेलकम बैक टू एस के वन एक्स दिस इज सारिंग खान स्टूडेंट ऑफ सेवंथ क्लास एंड वी आर बैक विद जे एडवांस ट्वेंटी ट्वेंटी वन में से पेपर टू का पेपर आज हम लोग डिमांडेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दैट इज द क्वेश्चन इज टेम फॉर क्वेश्चन नंबर नाइन्थ एंड टेन लेट मी रीड द पैराग्राफ राइट देन विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन तो ये पैराग्राफ अगर मैं पढ़ूं दैट्स द थिंग कि अ पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ बॉब ऑफ मास एम इक्वल जीरो पॉइंट वन के जी एंड अ मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इक्वल्स वन पॉइंट जीरो मीटर It is suspended from a fixed point at H equals 0.9 meter. Above a frictionless horizontal flow, initially, the bob of the pendulum is lying on the floor at rest vertically below the point of suspension. A horizontal spur, uh, that is impulse P equals 0.2 kilogram meter per second is imparted to the bob at some instant.

फिजिकल क्वांटिटीज बनेंगी तो यहाँ पे हम हाँ प्योर नंबर्स डालेंगे एंड द थिंग इज ये कुछ मैं फिगर बना देता हूँ यहाँ पे हमारे आ, पास सीलिंग राइट सी द रूफ यहाँ पे एक एक पेंडुलम विद दिस सर्टेन बॉब जो कि रेस्ट कर रहा है हमारा एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे फ्लो पे इनिशियली ये टॉट नहीं जिसकी वजह से जीरो मीटर्स की लेंथ है फाइनली हम लोगों ने क्या किया कि बाद में इस पे इंपल्स दे दिया जिसकी वजह से इधर एक्सेलरेट किया राइट तो ये टॉड बन गया जीरो से वन मीटर से बाय थीटा यहाँ पे मूव किया है तो यहाँ पे अगर हम लोग बेसिकली देखें इंपल्स दिया पी अमाउंट का तो इनिशियल मोमेंटम में जीरो तो फाइनल मोमेंटम के इक्वल इंपल्स होगा ओके m v के, के इक्वल है तो m v 0.1 किलोग्राम v इंपल्स दिया है 0. टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का यानी कि संभव जीरो पॉइंट वन किलोग्राम टाइम्स वी इतना होगा सो वी इज टू मीटर पर सेकेंड एज एवरीबडी नो तो वी तो हमें पता है चलो अब, वी कैन बी कमिंग टू हमारा एंगुलर मोमेंटम राइट तो एंगुलर मोमेंटम जी किलोग्राम से मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है तो ये कि, आ, किसके R, is, say, momentum, ये किसके इक्वल होगा आर इज लेंथ ऑफ टाइम्स में हमारा मोमेंटम नो जो J है किलोग्राम मीटर स्क्वेयर पर ये हम लोगों ने बताया कि बिफोर लिफ्ट तो बिफोर लिफ्ट लिफ्ट ऑफ ऑफ का एंगुलर मोमेंटम है तो किलोग्राम मीटर तो स्क्वे पर सेकेंड तो जे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड वो पॉइंट वन एट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड के इक्वल है तो यहाँ से जे जो कि मैंने इनिशियली भी बोला था एक प्योर नंबर होगा इसमें किलोग्राम मीटर पर सेकेंड मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का यूनिट ऐड कर रहे तब ये एंगुलर मोमेंटम बनता है दैट इज द थिंग जे, जे जीरो अब हम लोग के की बात करते हैं दिस इज के इक्वल्स हाफ एम वी स्क्वेयर एवरीबडी नो बट

तो ये हो गया इनटू में जीरो पॉइंट वन जो कि एज गिवन पर क्वेश्चन है टू थेटा का होल स्क्वेयर, तो ये बेसिकली हो जाता है जीरो पॉइंट दैट इज नॉट जीरो पॉइंट टू लेस टू सिंपली टाइम्स कॉस थेटा का स्क्वेयर राइट एक टू से एक टू कैंसिल से ये फोर हो जाता लेकिन यहाँ से टू टाइम्स में कैंसिल हो गया जीरो पॉइंट टू टाइम्स में कॉस्थेटा के स्क्वेयर कैसे करें इनिशियली पे अगर हम लोग देखें राइट एंगल बनता है पे इसका राइट right एंगल 90 डिग्री लेकिन अगर हम लोग देखें कि अभी तो ये टॉट बना है राइट तब भी ये फ्लोर पे ही था बाद में टॉट बनने के बाद ये दिस लेफ्टॉप तो वर्टिकली ये सेम पॉइंट्स पे तो यहाँ से कोस थेटा निकाल सकते हैं जीरो पॉइंट नाइन मीटर वन मीटर सो दिस इज जीरो पॉइंट नाइन ओवर वन विच इज बेसिकली जीरो पॉइंट नाइन तो कॉस्टेट इज जीरो पॉइंट नाइन सो ही गया जीरो पॉइंट टू टाइम्स में जीरो पॉइंट नाइन का स्क्वेड जीरो पॉइंट टू टाइम्स में हमारा हो गया जीरो पॉइंट एट वन विच इज बेसिकली जीरो पॉइंट वन सिक्स टू तो वन सिक्स टू अब काइनेटिक एनर्जी आ, ये जो के जूल्स है ये काइनेटिक एनर्जी है तो ये हमें 0.162 पॉइंट जूल्स मिल रहा है ये के जूल्स है तो के हमारा बेसिकली अगेन एक प्योर नंबर है विच इज 0.162 राइट तो एक हमें ये हमारा आंसर मिलता है के हमारा हो गया 0.162 एंड ये क्वेश्चन फाइनली फिनिश होते है. बहुत मजा आया इस इस इसे करने में इट वॉज रियली फन टू डू एंड थैंक्स टू ऑलवेज एंड जय जय